हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे क्लास 5 इंग्लिश का चैप्टर 3 द स्टोरी ऑफ अ कॉइन, कहानी सिक्के की। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इन एंशियंट टाइम ह्यूमन बींग्स यूज टू लिव इन द फॉरेस्ट। पुराने समय में, एंशियंट टाइम, पुराने समय में, बहुत पुराने समय में ह्यूमन बींग्स, इंसान जो है वो फॉरेस्ट, जंगलों में रहा करते थे। Their life was very difficult. उनका लाइफ बहुत ही डिफ़िकल्ट हुआ करता था, बहुत ही मुश्किल हुआ करता था। They wandered from one place to another place. वो एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे, भटकते रहते थे। They spent their night in caves. वो लोग अपने रात को कहाँ गुजारते थे? Caves में गुजारते थे, on trees या फिर ट्री के ऊपर गुजारते थे। Caves का मतलब गुफा में, वो लोग या तो गुफा में गुजारते थे रात को या फिर वो लोग पेड़ के ऊपर गुजारते थे। They ate fruit of trees or meat of animals. या तो वो लोग फल खाते थे पेड़ से या तो वो लोग मीट खाते थे, एनिमल्स का फ्लैश खाते थे। देयर वॉज डेंजर ऑफ फियर्स वाइल्ड एनिमल्स। वहाँ पे खतरनाक वाइल्ड एनिमल्स का बहुत ही खतरा था। खतरनाक वाइल्ड एनिमल्स मतलब खतरनाक जीव जंतु जो रहा करते थे जंगल में, उनसे बहुत खतरा हुआ करता था, इनको डेंजर था। दे स्टार्टेड लिविंग इन ग्रुप फॉर प्रोटेक्शन। ये लोग ग्रुप में रहने लगे, एक साथ रहने लगे रक्षा करने के लिए एक दूसरे का, ताकि प्रोटेक्शन मिल पाए। थिंकिंग मैन वेर इंटेलिजेंट। लोग तो उस टाइम में सोचते थे और वो इंटेलिजेंट होते थे। दे गैदर्ड एक्सपीरियंस एंड यूज्ड, वो लोग एक्सपीरियंस जमा करते थे, जितना घटना घटता था उससे एक्सपीरियंस लेते थे, उससे कुछ सीखते थे। एंड यूज्ड इट, और उसको यूज़ करते थे फॉर देयर बेटर फ्यूचर, आने वाले समय को अच्छा बनाने के लिए वो लोग एक्सपीरियंस को यूज़ करते थे। जैसे आज जो घटना घटा उससे हम लोग सीख लेंगे कि कल ऐसा घटना ना घटे, ये करते थे वो लोग। दे लर्न्ड द आर्ट ऑफ एग्रीकल्चर। वो लोग एग्रीकल्चर करना सीखे, वो लोग खेती बाड़ी करना सीखे, फसल उपजाना सीखे। दे स्टार्टेड लिविंग एट अ प्लेस। वो लोग एक जगह में रहना सीखे। पहले तो वो लोग भटकते रहते थे, टहलते रहते थे, घूमते रहते थे, खाना के खोज में, रहने का खोज में। तो वो लोग फिर उसके बाद एक जगह ठहरने सीखे। दे बिल्ट हट्स टू लिव टुगेदर। वो लोग झोपड़ी बनाने लगे एक साथ रहने के लिए। इन दिस वे विलेज केम इनटू एग्जिस्टेंस। इसी तरह से धीरे धीरे गांव बनने लगा, विलेज बनने लगा। लेटर ऑन विलेज डेवलप्ड एज अ टाउन। और धीरे धीरे बाद में विलेज जो है वो शहर में तब्दील होने लगा, टाउन बनने लगा। इन द बिगिनिंग मेन्स नीड वेयर वेरी लेस। स्टार्टिंग में, शुरुआत में, बिगिनिंग मतलब शुरुआत, शुरुआत में आदमी का जो रिक्वायरमेंट था, नीड था, ज़रूरत था, वो बहुत कम हुआ करता था। वेन देयर नॉलेज इंक्रीज्ड, जैसे ही उन लोगों का ज्ञान बढ़ा, देयर नीड्स ऑल्सो इंक्रीज्ड। उनका जैसे जैसे ज्ञान बढ़ते गया वैसे वैसे उनका ज़रूरत भी बढ़ता गया। इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर एनी मैन टू प्रोड्यूस ऑल थिंग्स ऑफ हिज नीड हिमसेल्फ। ये सभी लोगों के लिए संभव नहीं है कि हमको जो चीज़ ज़रूरत है वो हम सब कुछ खुद ही प्रोड्यूस कर ले, खुद ही बना ले। अपना ज़रूरत का सामान सब कुछ हम खुद ही नहीं बना सकते हैं, कहीं और से भी लेना पड़ता है। देयरफॉर दे एक्सचेंज थिंग्स। इसीलिए वो लोग आपस में चीज़ों को अदला बदली करते थे पुराने ज़माने में, फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से। उसको कोई चीज़ का ज़रूरत है तो हम उसको दे दिए, और मुझे कोई चीज़ का ज़रूरत है तो वो मुझे दे दिया, और हम लोग कुछ सामान अदला बदली करके ऐसा सामान ले लेते थे। इट वॉज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। इसको बार्टर सिस्टम बोला जाता था, लेन देन को, आपसी लेन देन को, अदला बदली करना। क्यों अदला बदली करते थे? क्योंकि उस टाइम में कॉइन नहीं हुआ करता था, उस टाइम में करेंसी नहीं हुआ करता था, उस टाइम में पैसा नहीं हुआ करता कि आप अभी दुकान पर 5 रुपया लेकर के गए और कोई पार्ले का बिस्कुट चाहिए तो आप ले लिए। अगर आप पुराने ज़माने में अगर यही पार्ले का बिस्कुट हुआ करता तो आपको वो पार्ले के बिस्किट के जगह पे आपको कुछ और देना पड़ता उसको पैसा के बदले में, क्योंकि उस टाइम पैसा नहीं हुआ करता था। आप उसको समझ लीजिए कि आप उसको कोई चॉकलेट दिए और वो आपको कोई बिस्किट दिया, तो आपका ज़रूरत पूरा हो गया और उसका भी ज़रूरत पूरा हो गया। तो इसको ही बैटर सिस्टम कहते हैं। लेकिन पुराने ज़माने में ना बिस्किट था ना चॉकलेट था, मतलब और भी चीज़ों का लेन देन के लिए बैटर सिस्टम होता था। एट फर्स्ट द काउ वॉज यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सबसे स्टार्टिंग में काऊ को यूज़ किया जाता था, गाय को एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है।
देयर वेयर मैनी डिफ़िकल्टीज इन दिस सिस्टम ऑफ एक्सचेंज. इसमें बहुत सारा डिफ़िकल्टी, बहुत मुश्किल होता था एक्सचेंज करने में. पैडी टुक प्लेस ऑफ द काउ टू मेक द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ईजी. पहले लोग गाय को एक्सचेंज करते थे, ठीक है, ज़रूरत के लिए. कोई सामान चाहिए तो गाय दे दिया, उसको कोई सामान चाहिए तो वो गाय दे दिया और तो सामान ले लिया. लेकिन इसमें बहुत डिफ़िकल्टी होता था, बहुत मुश्किल होता था. तो पैडी, पैडी मतलब होता धान, धान उसका जगह ले लिया. फिर गाय के जगह में धान लोग देने लगे. अभी मुझे मान लो 1 kg, मतलब मुझे मान लो 1 kg शुगर चाहिए, तो शुगर मुझे लेने के लिए मुझे उसको क्या देना पड़ेगा, पैडी देना पड़ेगा, धान देना पड़ेगा बदले में. इसी को एक्सचेंज बोलते हैं और इसी को बैटर सिस्टम बोलते हैं. देन द कॉइन केम इन एग्जिस्टेंस. उसके बाद कॉइन आया, सिक्का बना उसके बाद. एंड बिकेम द मोस्ट पॉपुलर मीडियम ऑफ एक्सचेंज. और सबसे फेमस हुआ एक्सचेंज के लिए. कॉइन्स आर मेड ऑफ मेटल. कॉइन्स जो है वो धातु का बनता है, मेटल का बनता है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स हैव बीन यूज्ड फॉर मेकिंग कॉइन्स. हम लोग जो सिक्का देखते हैं, कॉइन्स देखते हैं, वो बहुत तरह का मेटल से मिल करके बना हुआ होता है. द किंग्स यूज्ड द मोस्ट वैल्यूबल मेटल गोल्ड टू मेक कॉइन. जो राजा हुआ करते थे वो कॉइन को कैसे बनाते थे, वो मेटल के जगह पे गोल्ड यूज़ करते थे. मेटल में, मेटल में सबसे कीमती जो है गोल्ड, उसको यूज़ करते थे. आफ्टर गोल्ड द चांस ऑफ सिल्वर केम. गोल्ड, गोल्ड के होने के बाद फिर उसके बाद चांदी को लोग यूज़, राजा यूज़ करने लगे. सिल्वर, कॉपर एंड एलमोनियम वेयर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग कॉइन. फिर उसके बाद कॉपर और एलमोनियम भी यूज़ किया गया, ठीक है. इन इंडियन हिस्ट्री देयर इज ऑल्सो प्रूफ ऑफ यूजिंग लेदर फॉर दिस पर्पस. भारत के इतिहास में चमड़े का भी सिक्का चलाया गया. ये भी एक प्रूफ मिला है कि चमड़े का भी सिक्का भारत के इतिहास में चला था एक समय में. मेटल इज टेकन आउट फ्रॉम द माइंस. माइंस जो होता है, जैसे कोयले का माइन होता है, खदान होता है, उसी तरह से मेटल का भी माइंस होता है. नीचे से खोद करके निकाला जाता है उसको. देयर आर मैनी अनवांटेड मटेरियल्स इन इट. इसमें बहुत सारा अनवांटेड मटेरियल जो हम लोग चाहते नहीं है वो भी रहता है, गंदगी भी रहता है बहुत. इट इज़ प्यूरीफाइड इन फर्नेस. इसको फर्नेस में इसको प्यूरीफाई किया जाता है. फर्नेस एक जगह है जहाँ पे हीट दिया जाता है और वहाँ पे उसको मेटल को पिघलाया जाता है, और पिघला करके उसमें जो गंदगी है उसको अलग किया जाता है. प्यूरीफाइड मेटल इज सेंट टू मिंट. प्यूरीफाइड मेटल जो होता है उसको मिंट में भेजा जाता है. मिंट उस जगह को बोला जाता है जहाँ पे कॉइन बनता है, जहाँ पे कॉइन को बनाया जाता है उसको मिंट बोलते हैं उस जगह को. इन मिंट डिफरेंट मेटल्स आर मेल्टेड एंड मिक्सड इन डेफिनेट प्रोपोर्शन. तो मिंट में क्या काम होता है, बहुत सारे मेटल को पिघलाया जाता है, मेल्ट किया जाता है और उसको मिक्स किया जाता है प्रॉपर रेशियो में, प्रोपोर्शन में हिसाब से. दिस मिक्सड मेटल इज पास्ड थ्रू डिफरेंट मशीन. और इसको पिघला करके मशीन में पास किया जाता है. आफ्टर दिस प्रोसेस द कॉइन गेट्स इट्स ग्लिटरिंग शेप. और इसके बाद कॉइन जो है चमकता हुआ शेप पाता है. ब्यूटीफुल डिजाइंस आर पुट ऑन बोथ फेसेस ऑफ द कॉइन टू ऐड टू इट्स ब्यूटी. इसको और सुंदर बनाने के लिए कॉइन को इसके दोनों तरफ डिज़ाइन को लगाया जाता है, दोनों फेस में. द कॉइन इज सेंट टू द रिजर्व बैंक. और रिजर्व बैंक में कॉइन को सेंट किया जाता है, भेजा जाता है. From the Reserve Bank, the coin goes in the hands of men. और Reserve Bank के through लोगों के हाथ में ये coin पहुँचता है. The journey of the coin begins in this way. और coin का journey, coin का जो यात्रा है यह ऐसे ही शुरू होता है. It moves from one hand to another hand. ये एक हाथ से दूसरे हाथ में, एक लोगों से दूसरे लोग के पास जाता है. It goes in the hands of all types of men. ये सारे सभी तरीके के लोगों के पास, अमीर हो, गरीब हो, जैसा भी हो, सबके पास ये कॉइन जो है पहुंचता है. समटाइम्स इट गोज़ इन द हैंड्स ऑफ रिच मैन. ये कभी अमीर के पास पहुंचता है. समटाइम्स इट गोज़ इन द हैंड्स ऑफ पुअर मैन. ये कभी गरीब के हाथों में भी पहुंचता है. सम मैन कीप इट इन देयर पॉकेट. कोई आदमी इसको पॉकेट में रखता है. सम मैन कीप इट इन द पर्स और वॉलेट. और कोई आदमी इसको अपना पर्स में रखता है या वॉलेट में रखता है, मनी बैग में. इट इज़ ऑल्सो केप्ट इन आयरन सेफ. और इसको आयरन के सेफ में भी रखा जाता है, आयरन के डब्बे में. तो ये सारे कॉइन्स का यहाँ पे पिक्चर दिया गया है. 1 paisa, 2 paisa, 3 paisa, ये सब आज से 15 साल पहले ये सब एग्जिस्टेंस में था. 15-20 साल पहले 1 paisa तो नहीं, 5 paisa एग्जिस्टेंस में था, 10 paisa एग्जिस्टेंस में था, 20 paisa था. और 1 paisa 2 paisa तो बहुत पहले ही बंद हो गया है. फिर देखो 20 paisa है, ये सब एलमिनियम का है.
25 पैसा, 50 पैसा, 1 रुपया, 2 रुपया, ये 5 का सिक्का है, ये 10 का सिक्का है। कॉइन, द कॉइन हैज़ अ टेंडेंसी ऑफ वंडरिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। कॉइन के पास ये टेंडेंसी है, ये क्षमता है, ये क्षमता है कॉइन के पास कि वो एक जगह से दूसरे जगह मूव होता रहता है, घूमता ही रहता है, वंडरिंग करता रहता है, घूमना। वेन द कॉइन गोज इन द हैंड्स ऑफ अ माइजर, माइजर मतलब कंजूस आदमी, माइजर माने कंजूस। वेन द कॉइन गोज इन द हैंड्स ऑफ माइजर इट हैज टू स्टे देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब भी कोई कंजूस के पास ये पैसा सिक्का पहुंचता है तो उसको उसके पास बहुत लंबे समय तक रहना पड़ता है, क्योंकि कंजूस उसे खर्च करता नहीं है, तो कॉइन को उसके पास रुकना पड़ता है। लेकिन कॉइन का तो आदत है एक जगह से दूसरे जगह जाने का, बट क्या करे, कंजूस के हाथ में पड़ गया तो वेट करता है वो। ही डज नॉट वॉन्ट टू लेट द कॉइन गो आउट ऑफ हिज हैंड, कंजूस आदमी नहीं चाहता है कि उसके हाथ से पैसा जाए। सम पीपल आर फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग कॉइन्स, बहुत सारे लोग जो है वो बहुत इच्छुक होते हैं, बहुत उसको मन करता है कि पैसा को, कॉइन को कलेक्ट करके रखे लंबे समय तक। बहुत लोगों को आप देखे होंगे कि चॉकलेट का रैपर कलेक्ट करता है, पिक्चर्स कलेक्ट करता है न्यूज़पेपर से, तो बहुत कोई कॉइन्स को भी कलेक्ट करके रखता है, जमा करने का आदत होता है। दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉइन्स इन देयर कलेक्शन, उनके पास बहुत सारा कॉइन्स रहता है कलेक्शन में। टाइम टू टाइम कॉइन्स आर इशूड विथ सम स्पेशल फीचर्स, समय समय पे कॉइन जो है इशू किया जाता है, बनाया जाता है अलग अलग फीचर्स के साथ। व्हेनेवर दे फाइंड सच अ कॉइन दे ऐड इट इन देयर स्टॉक, जैसे ही उनको ऐसा लगता है कि ये नया कॉइन आया है स्टॉक, तो इसको स्टॉक में रख लेते हैं। जो लोग कॉइन जमा करते हैं उनको जैसे ही कोई नया कॉइन मिलता है, स्पेशल कॉइन डिज़ाइन का मिलता है, तो वो लोग कॉइन को अपने पास जमा करने लगते हैं, कलेक्ट करने लगते हैं। सच पीपल हैव कलेक्शन ऑफ कॉइन्स फ्रॉम ओल्डन डेज टू मॉडर्न डेज, वो ऐसे लोगों के पास बहुत सारा टाइप का कॉइन होता है, पुराने समय से वो लोग जमा करते रहते हैं, तो पुराना पुराना कॉइन भी होता है अच्छा अच्छा, और नए ज़माने का भी नया नया कॉइन मिलता है उनके पास। दे ट्राई टू कलेक्ट द कॉइन्स ऑफ अदर कंट्रीज टू, वे लोग ऐसे लोग होते हैं जो दूसरे देश का भी कॉइन को कलेक्ट करते हैं, उनको अच्छा लगता है कलेक्ट करने में। विद द पासिंग ऑफ टाइम, समय बीतने के साथ द कॉइन लूजेज इट्स ब्यूटी, जैसे जैसे समय बीतता है कॉइन जो है वो फीका होने लगता है, उसका रंग चला जाता है, उसका साइन, उसका चमक चला जाता है, ख़राब होने लगता है। पीपल हेजिटेट टू एक्सेप्ट इट, और लोग उसको लेना नहीं चाहते हैं। व्हेन दिस कंडीशन कम्स द कॉइन इज सेंट टू द रिजर्व बैंक, जब ऐसा कंडीशन आता है तो उसको वापस रिजर्व बैंक में भेज दिया जाता है। देन अ न्यू कॉइन इज इशूड इंस्टेड ऑफ द ओल्ड कॉइन, और पुराने कॉइन के जगह पे नया कॉइन दे दिया जाता है रिजर्व बैंक के द्वारा। द लाइफ ऑफ द कॉइन इज़ वेरी लॉन्ग, कॉइन का जो लाइफ है, जिंदगी है, वो बहुत लंबा होता है। इट लास्ट फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, ये 100 साल तक भी चलता है। इट इज़ ऑल्सो ब्यूटीफुल, ये ब्यूटीफुल भी है, सुंदर है। देर इज़ नो इफेक्ट ऑफ वाटर और फायर ऑन द कॉइन, ये वाटर और फायर का कोई असर नहीं होता है कॉइन के ऊपर। इट हैज़ बोथ फेस वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू, इसके पास फेस वैल्यू भी है, मार्केट वैल्यू भी है, मार्केट में कीमत भी है इसका, और इसमें चमक और इसमें ब्यूटी है जिसकी वजह से इसका फेस वैल्यू भी है। ड्यू टू इट्स वेट, इसका वजन के कारण पीपल फील डिफिकल्टी इन कैरिंग इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जब कॉइन को पॉकेट में रखने से इसको भारी लगता है, बहुत वजन होता है, इसलिए लोग इसको कैरी नहीं करना चाहते हैं। ड्यूरिंग जर्नी दे प्रीफर पेपर नोट्स टू कॉइन्स, लोग जब जर्नी करते हैं, सफ़र करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, जर्नी में वो लोग कॉइन रखना नहीं चाहते हैं, भारी हो जाने के कारण वो लोग पेपर का नोट रखना चाहते हैं। द पेपर नोट हैज़ ओनली फेस वैल्यू, पेपर नोट का जो है सिर्फ फेस वैल्यू है। इट नीड्स अ लॉट ऑफ केयर, इसको बहुत सारा केयर चाहिए होता है पेपर का नोट को। इट डज़ नॉट लास्ट एज लॉन्ग एज द कॉइन, ये लंबे समय तक टिका हुआ नहीं रहता है, कौन, पेपर का नोट जो रहता है, नोट फट जाता है, गंदा हो जाता है, टुकड़ा हो जाता है, फिर उसको भीग जाएगा तो वो पिघल जाता है, ख़राब हो जाता है। लेकिन कॉइन के साथ ऐसा नहीं है, कॉइन लंबे समय तक चलता है। एट प्रेजेंट प्लास्टिक मनी इज़ मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ शॉपिंग, अभी प्लास्टिक मनी बहुत ही फेमस हो रहा है। इट इज़ अ टाइप ऑफ कार्ड मेड अप ऑफ प्लास्टिक, ये क्या है प्लास्टिक मनी, ये एक कार्ड है प्लास्टिक का। अ पर्सन कैन ईजिली गो एनी वेयर विथ दिस कार्ड, ये कार्ड को लेकर के आदमी कहीं भी जा सकता है। ही कैन बाय रेल और एयर टिकट, वो रेलवे का और एरोप्लेन का टिकट भी ले सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस कार्ड। ही कैन परचेज थिंग्स इन मॉल्स विथ प्लास्टिक मनी, वो कार्ड से
प्लास्टिक मनी से मॉल्स में, दुकान में सामान भी खरीद सकता है। ये सब कार्ड है, ऐसे कार्ड स्वैप करके हम लोग कुछ भी परचेज कर सकते हैं। पीपल आर मैड आफ्टर कॉइन्स, लोग जो हैं कॉइन के पीछे पागल है। दे वॉन्ट टू कलेक्ट मोर एंड मोर कॉइन, लोग चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉइन कलेक्ट करें। द मोर दे गेट द मोर दे वॉन्ट, जितना ज़्यादा लोगों को कॉइन मिलता है उतना वो और चाहते हैं कलेक्ट करना। दे वॉन्ट टू गेट रेस्पेक्ट इन द सोसाइटी विद द हेल्प ऑफ कॉइन, लोग चाहते हैं कि हमारे पास कॉइन ज़्यादा हो, पैसा ज़्यादा हो और हमें समाज में सम्मान ज़्यादा मिले। दे नेवर वॉन्ट टू पार्ट विथ इट, वो कभी बांटना नहीं चाहते हैं इसको। दे वॉन्ट टू अर्न कॉइन्स बाई हुक और बाई क्रूक, कैसे भी करके, पॉजिटिव हो निगेटिव हो सही हो गलत हो, हुक और बाई क्रूक का मतलब जैसे तैसे करके हमको पैसा कमाना है। दे फाइट विद देयर ओन ब्लड फॉर कॉइन्स, वो लोग अपने ही खून से अपने ही बच्चे से लोग लड़ाई भी कर लेते हैं पैसा को कमाने के लिए या पाने के लिए। द कॉइन लाफ्स एट दिस बिहेवियर ऑफ पीपल, कॉइन जो है लोगों के ऊपर हंसता है इसीलिए कि ये लोग पागल है मेरे पीछे में लड़ाई भी कर लेता है। दे विल नॉट स्टॉप रनिंग आफ्टर द कॉइन अनटिल दे हैव कंटेनमेंट, और वो लोग रुकते ही नहीं हैं जब तक कॉइन उनके पास पहुँच ना जाता हो, झगड़ा करते रहते हैं ये वो करते हैं। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स, ताकि आगे का वीडियो आपको मिलता रहे, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि थोड़ा सपोर्ट मिले और आगे भी हम लोग ऐसे ही सारे चैप्टर्स को देखते रहें। तो अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं, क्या हम लोग पढ़ें चैप्टर में। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वाज द लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स डिफिकल्ट इन एंशियंट टाइम, एंशियंट टाइम में लोगों का जो लाइफ था वो डिफ़िकल्ट कैसे था। लोगों को मूव करना पड़ता था, लोगों को एक जगह से दूसरे जगह वांडर करना पड़ता था, लोगों को एनिमल से डेंजर होता था, डेंजरस एनिमल से। फिर वो लोग रात बिताने के लिए केव्स में और ट्रीज में रहते थे, इस तरह से उन लोगों का लाइफ डिफ़िकल्ट हुआ करता था। वॉट वॉज यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज फर्स्ट, एक्सचेंज एट फर्स्ट, एक्सचेंज के लिए सबसे पहले क्या यूज़ किया जाता था, सबसे पहले काउ यूज़ किया जाता था एक्सचेंज के लिए। वेयर डू पीपल कीप द कॉइन्स, लोग कॉइन्स को कहाँ रखते हैं, लोग कॉइन्स को अपने पॉकेट में रखते हैं या फिर बहुत कोई आयरन बॉक्स में रखते हैं, ऐसे जगह में वो लोग रखते हैं, है ना, हम लोग पढ़े अभी। विच टाइप ऑफ कॉइन्स आर कलेक्टेड, जो कॉइन्स अलग दिखने में होता है, जो कॉइन्स थोड़ा अलग फीचर लेकर के आता है, जो कॉइन्स बहुत ही अट्रैक्टिव होता है, वो सब कॉइन्स को लोग कलेक्ट करते हैं, एंटिक पीस जो होता है उसको कलेक्ट करते हैं। वाई डू पीपल रेफर पेपर नोट्स टू कॉइन्स, लोग पेपर नोट रखना क्यों पसंद करते हैं कॉइन के बदले, वो पेपर नोट इसलिए रखना पसंद करते हैं बिकॉज कॉइन्स आर बल्की इन नेचर, कॉइन्स आर हैवी इन नेचर एंड पेपर नोट आर ईजी टू कैरी। वट इज़ द यूज़ ऑफ प्लास्टिक मनी, तो प्लास्टिक मनी इज़ यूज फॉर शॉपिंग, फॉर पेमेंट ऑफ बिल्स एंड इट इज़ ईजी टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, है ना। कहीं भी हम लोग प्लास्टिक मनी मीन्स जो ATM कार्ड होता है, डेबिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड होता है, वो सब। वेयर डिड पीपल लिव इन एंशियंट टाइम, विलेज में, फॉरेस्ट में, सबसे पहले तो फॉरेस्ट में रहते थे। वॉट वॉज यूज इन द प्लेस ऑफ काउ टू मेक द प्रोसेस एक्सचेंज इजी, काउ के जगह पे क्या यूज होने लगा फिर, पैडी, धान। वेयर इज प्यूरिफाइड मेटल सेंट टू मेक कॉइन, प्यूरिफाइड मेटल को कॉइन बनाने के लिए कहाँ भेजा जाता है, मिंट में भेजा जाता है। वॉट इज द कॉइन मेड ऑफ, कॉइन जो है वो मेटल से बनता है। विच इज द मोस्ट वैल्यूबल मेटल, इसमें से गोल्ड इज द वैल्यूबल मेटल। वेयर इज द कॉइन सेंट फ्रॉम द मिंट, मिंट के बाद कहाँ जाता है कॉइन बनने के बाद, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देन रिजर्व बैंक से लोगों के हाथ में। वॉट इज द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ शॉपिंग एट प्रेजेंट, तो अभी सबसे इम्पॉर्टेंट मीन्स क्या है, प्लास्टिक मनी, इसके जरिए हम लोग शॉपिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, और आने वाले वीडियो तक ही आपको मिल पाए तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।